हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। आज हम बात करेंगे रिपेयर एंड रिहैबिलिटेशन के एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 6, जिसमें होंगे 15 क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम 76 to 90। तो आई होप आपको ये आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत काम आने वाले होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 76, कोड टू डिटरमाइनिंग क्लोराइड कंटेंट इन दी कॉन्क्रीट। तो जो बात होती है क्लोराइड कंटेंट की, तो आपका सबसे पहले तो कोड होता है, दैट इज 14959, एंड पार्ट होगा आपका 3। तो याद रखिएगा, जब आप बात करते हो क्लोराइड कंटेंट की तो आपका आंसर होगा डी, दैट इज दी IS 14959 एंड पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टेस्ट रिजल्ट शोस पीएच मोर देन द 11.5 एंड लो क्लोराइड कंटेंट, देन व्हाट इज योर कंक्लूजन। याद रखिएगा, क्या पूछा है आपको, जो पीएच वैल्यू है वो 11.5 से ज्यादा है और क्लोराइड कंटेंट कम है। जब आप बात करते हो क्लोराइड कंटेंट कम है तो वो कोरोजन कम ही होगा, तो मतलब नो कोरोजन आंसर होगा आपका 77 का ए, दैट इज द नो कोरोजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टेस्ट रिजल्ट शोस पीएच वैल्यू हाई। याद रखिए, अब क्या है, पीएच वैल्यू हाई है, साथ में आपको पूछा है हाई क्लोराइड कंटेंट। पहले क्वेश्चन में क्या था, पीएच वैल्यू तो आपकी 11.5 से ज्यादा ही थी बट क्लोराइड कंटेंट आपका कम था, तो वहां पे हमने आंसर लिखा था नो कोरोजन। बट जब आप क्लोराइड कंटेंट ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं उनको प्रोन कंडीशन, मतलब चांसेस है कि कोरोजन हो सकते हैं। तो 78 का आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ रिजल्ट शोस पीएच वैल्यू लो। याद रखिए, अब क्या पूछा है, पीएच आपकी कम है बट क्लोराइड कंटेंट ज्यादा है, तो जब आपकी पीएच कम हो जाती है तो आपका रिस्क ऑफ दी कोरोजन बहुत ही ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, क्लोराइड भी ज़्यादा है, जैसे जैसे क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है तो कोरोजन कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, और उसके साथ अगर पीएच वैल्यू भी आपकी डिक्रीज हो गई तो मोर रिस्क ऑफ दी कोरोजन। सो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर इज सी। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को पहले किस तरह से पूछा है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा, नहीं तो ये बहुत टिपिकल टाइप का हो जाएगा, सेम क्वेश्चन लगेगा आपको, बट कंडीशन देख लेना, पीएच वैल्यू ज़्यादा है कम है, क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से आपको आंसर चूज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन इज, मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर द आरसीसी एज पर IS 456 इन माइल्ड एक्सपोजर। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए आपका आंसर होगा 300 kg/m³ फॉर दी माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। याद रखना, वो अलग अलग कंडीशन आपको पूछ सकते हैं, माइल्ड पूछा है तो ही आपका आंसर होगा 300 kg/m³। सो क्वेश्चन नंबर 80 आंसर इज ए। तो सिमिलरली यहां पूछा है आपको सीवर एक्सपोजर, तो आंसर होगा आपका 320 kg/m³। पहले कंडीशन में आपका 300 kg/m³ था, माइल्ड एक्सपोजर था, यहाँ पे सीवर है तो सीवर में आपको आंसर होगा बी, दैट इज 320 kg/m³। सिमिलरली नेक्स्ट जो है उसमें आपको पूछा है एक्सट्रीम एक्सपोजर, तो एक्सट्रीम एक्सपोजर में आपका आंसर होगा 360 kg/m³। पहले था माइल्ड, दैट इज 300, फिर आपका था सीवर कंडीशन एंड लास्ट एक्सट्रीम कंडीशन। सो सीवर में होगा 320 और एक्सट्रीम में होगा 360। क्वेश्चन नंबर 83, इफ रेजिस्टिविटी वैल्यू इज मोर देन 20,000 कोरोजन प्रोबेबिलिटी इज नेग्लिजिबल। क्वेश्चन नंबर 83, अगर आपका रेजिस्टिविटी वैल्यू 20,000 से कम है, सॉरी ज़्यादा है, मोर देन 20,000, देन कोरोजन प्रोबेबिलिटी आपकी होती है ऑलमोस्ट नील और से नेग्लिजिबल। सो क्वेश्चन नंबर 83 आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
if resistivity value is 10,000 to 20,000, then the corrosion probability is low. तो आपको ये questions इस हिसाब से ही रखे हैं कि आपको कोई भी range पूछ सकते हैं, उनके respect से आपको वो ये corrosion की बात है या कोई भी ऐसी condition हो सकती है, test की result value जो होती है उस हिसाब से result पर से आपका क्या conclusion है वो हर एक test में आपको याद होना चाहिए. तो similarly यहाँ आप बात की है resistivity value की, तो अगर 20,000 से ज़्यादा थी तो हमने बोला था नेग्लिजिबल, और अभी पूछा है आपको 10,000 टू 20,000 तो होगा लो वैल्यू. तो इसी तरह से आपको ये भी पूछ सकते हैं रेसिस्टिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है तो प्रोबेबिलिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं. तो उसका आंसर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे रेसिस्टिविटी वैल्यू बढ़ती है तो आपका कोरोजन प्रोबेबिलिटी भी कम होती है. तो क्वेश्चन नंबर 84 आंसर इज बी. सिमिलरली अगर 5000 टू 10,000 है आपकी कोरोजन प्रोबेबिलिटी होगी हाई, तो 5000 टू 10,000 आपको होगी हाई, फिर से 10,000 टू 20,000 लो, और 20,000 से ज़्यादा है तो नेग्लिजिबल. और अगर 5000 से भी कम है तो कोरोजन प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब वेरी हाई हो जाएगा. तो 86 का आंसर होगा आपका डी. क्वेश्चन इज फायर रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन. तो फायर रेजिस्टेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर जनरेटेड ड्यूरिंग द फायर, ड्यूरेशन ऑफ फायर, और ऑल द अबव. तो फायर रेजिस्टेंस मटेरियल डिपेंड 100% करेगा अगर पहले तो प्रॉपर्टी खुद की जो होती है वो, फिर टेम्परेचर कितना जनरेट होता है फायर में, अगर फायर ज़्यादा बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और इसी हिसाब से टेम्परेचर जो भी है उनका ड्यूरेशन मतलब फायर का ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो ज़्यादा टाइम तक फायर रहा तो भी वो रेजिस्टेंस आपका कहीं ना कहीं वेरी होगा. तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर होगा आपका डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव. नंबर 88, विच टाइप ऑफ एग्रीगेट वुड बी मोर स्टेबल अगेंस्ट द फायर. तो फायर के सामने 100% इग्निशियस एग्रीगेट ही आपको काम आने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 88 आंसर इज ए. 89, which type of aggregate would tend to disintegrate faster at the low temperature. मतलब क्या है, लो टेम्परेचर में भी वो disintegrate मतलब कि टूट जाना, तो मतलब वो जो एग्रीगेट बॉन्डिंग होता है वो टूट जाता है एट द लो टेम्परेचर, तो वो होगा आपका लाइमस्टोन. तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 90, which type of aggregate offers very good fire resistance. तो सबसे अच्छे जो फायर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कोई एग्रीगेट होते हैं तो वो होते हैं लाइट वेट एग्रीगेट. तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा सी. और आपको यही क्वेश्चन स्टेबिलिटी के लिए पूछा है, तो स्टेबिलिटी के लिए होगा आपका इग्नियस. ओके, तो याद रखना स्टेबिलिटी अगर पूछी है तो इग्नियस से होगा, और अगर गुड एग्रीगेट के लिए बात की है तो वो होगा आपका लाइट वेट एग्रीगेट. तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा सी. आपके 15 क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, और आज जितने हो सकेंगे इतने लेक्चर्स जो है पार्ट इनके वो अपलोड कर दिए जाएंगे. तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.